ब्लॉग। तो अभी लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा, मैं आई एम गोइंग बैक टू बैंगलोर फ्रॉम चिकमंगलूर। तो रास्ते में देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड बेलूर, यहाँ पे 12th सेंचुरी का एक टेम्पल है। तो हमने सोचा वहाँ पे थोड़ी देर का स्टॉप लेते हैं एंड वो टेम्पल थोड़ा देखते हैं, ब्लेसिंग्स लेते हैं। तो इसके लिए मैं रुक गई हूँ, अभी मैं उसी के बाहर हूँ। उधर कार पार्किंग है, वहाँ पे पार्क लगा दिया कार। अभी वी आर गोइंग इनसाइड, अब देखते हैं। हमने पिक्चर्स देखा था, वो तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, और 12th सेंचुरी इतना पुराना है तो देखना बनता है। तो दिस इज़ द टेम्पल एक्चुअली। तो पार्किंग का 50 रुपीज़, और यहाँ पे मैं शूज़ रखने जा रही हूँ, तो शूज़ का 5 रुपीज़ पर पेयर है। 5 रुपीज़ शूज़। हाँ यार, कितना एंटीक लग रहा है ना। नो नो, वाओ, इंडियन हेरिटेज। दिस इज द मेन टेम्पल एक्चुअली। इधर पॉन्ड है, सो इधर से हम लोग आए हैं। एंड दिस इज द टेम्पल लैन एंड कैंस इज गोइंग। आप आर्किटेक्चर देखो, मतलब 12th सेंचुरी ना, हमारी हिस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी प्यारी है, आपको साउथ इंडिया आगे पता चलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अदर पार्ट ऑफ कंट्री में इतने सारे आर्किटेक्चर्स नहीं हैं, बट साउथ इंडिया में हर जगह आपको कुछ ना कुछ ऐसा बहुत ही यूनिक सा और बहुत ही ओल्ड, जिसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा गया है, वो मिलता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी बात लगती है। छोटे छोटे देखो आर्किटेक्चर, मतलब किस ढंग से बनाया गया है। मतलब आर्किटेक्ट तो अभी आए हैं, हमारे इंडिया में तो पहले से ही मतलब ऐसे आर्किटेक्ट अवेलेबल थे। लक्ष्मी टेम्पल वो है ये, कुछ तो नाम बोला पंडित जी ने। हाँ जी, ये चिन्ना केशवा टेम्पल था, महालक्ष्मी टेम्पल वो है, और वो भी एक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल्स हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से पूजा पाठ हो रहा है, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ महालक्ष्मी टेम्पल, वहाँ पर ब्लेसिंग्स लूँगी और देन हम लोग शायद निकल लेंगे। गणपति बप्पा मोरिया, दिस गणपति, दिस गणपति बप्पा मोरिया, कम। क्यांश को फिर से जाना था क्योंकि वो अंदर नहीं गया ना, इसलिए तभी वो अंदर गया है, मैं यहाँ पे हूँ। तो ये इधर भी एक टेंपल जैसा ही है, बट ये क्लोज है। आई डोंट नो ये टेंपल है, मतलब इसमें कोई भगवान है या फिर ऑर्गेनाइजर रूम वगैरह जो होता था उस ज़माने में भी वो है, पता नहीं हो। उधर भी है, उधर एक पॉन्ड है, आई विल शो यू द पॉन्ड आल्सो। आई डोंट नो, पॉन्ड में शायद कुछ कुछ है, बहुत लोग देख रहे हैं, तो मैं भी आ गई। देखिए क्या है, ओके, टर्टल्स हैं। वन एंड टू एंड थ्री टर्टल, 4 and 5 टर्टल, लेट्स गो नाउ। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग।
क्योंकि हम लोग यहाँ थोड़े टाइम के लिए रुके, वापस बैंगलोर जाना है तो काफ़ी लेट हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि हम लोग लेट चेकआउट ही करा था हमने। सो दिस ब्लॉग इतने ये देख के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, क्योंकि वापस अभी बैंगलोर जाना है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप बैंगलोर के आसपास रहते हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आप कभी भी आ सकते हो यहाँ पे, 4 hours के ड्राइव में है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर।